वेलकम टू न्यू माइक्रोनिश ब्लॉग आइडियाज़। अब वो समय गया जब आप किसी भी प्रकार के निश में ब्लॉग या वेबसाइट बनाकर रैंक कर लिया करते थे और वहाँ से सक्सेस हो जाया करते थे। अगर आप डिसेंट अर्निंग लॉन्ग लाइफ के लिए करना चाहते हैं तो आपको एक बेहतर माइक्रोनिश वेबसाइट की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि माइक्रोनिश वेबसाइट कैसे क्रिएट किया जाए जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए लंबी अर्निंग दे। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखें कि मेरी अमेज़ॉन की अर्निंग है, क्लिक्स वगैरह, ऑर्डर्स वगैरह, शिफ्ट वगैरह, रिटर्न कितनी हुई है, कन्वर्जन रेट क्या है, सब कुछ आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं अपने एडसेंस पे जाता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर अर्निंग के प्रूफ वगैरह सब पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब वहाँ से आप क्या है कि जब भी आप इंटरनेशनल माइक्रोनिश ब्लॉग सेलेक्ट करते हैं तो अर्निंग करने के दो मेजर सोर्स बहुत पॉपुलर हैं, एक तो ये एडसेंस है और दूसरा अपना अमेज़ॉन। ठीक है, अमेज़ॉन पर बहुत ज़्यादा अर्निंग, अच्छी अर्निंग होती है, क्योंकि जो बंदा अमेज़ॉन पे आता है वो डेफिनेटली बाई करने ही आता है, और हमारा जो भी निश होता है वो सब पे हम एडसेंस से भी कमाते हैं, उसी वेबसाइट से हम अमेज़ॉन से भी कमाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसे कट कर देते हैं और इसे भी हम लोग कट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे टैब पे और वीडियो में आगे बढ़ें। जब तक अब तक आप लोगों ने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। यह चैनल आपको न सिर्फ सिखाते हैं कि आप कैसे अमेज़ॉन पर सक्सेसफुल होंगे, बल्कि ब्लॉगिंग के बारे में, एडसेंस अर्निंग के बारे में, एफिलिएट के बारे में, यूट्यूब अर्निंग के बारे में मैं आपको इस चैनल पर बताता हूँ। न सिर्फ बताता हूँ बल्कि मेरी सारी अर्निंग रिपोर्ट यहाँ पर ही हुई होती है। ठीक है, आप जैसे ही वीडियोज़ पर जाएंगे तो मेरी बहुत सारी अर्निंग आपको यहाँ पर दिखेगी, तो उसी से आप मोटिवेशन ले सकते हैं, उसी अनुसार आप कमा सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कैसे मैंने स्पॉन्सर पोस्ट से इतने सारे अर्निंग किए थे, आर्टिकल के कैसे मैंने $35 चार्ज किए थे, यहाँ देखिए $714 सिर्फ और सिर्फ गेस्ट पोस्ट से मैंने कैसे लिया था, गूगल एडसेंस अर्निंग, अमेजॉन अफिलिएट अर्निंग, सारी की अर्निंग प्रूफ यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, तो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी निश है जो एवरग्रीन निश है, जो हमेशा से चलने वाली है और लो कंपटीशन है, और उस पर आप अगर आर्टिकल लिखते हैं तो डेफिनेटली आपकी आर्टिकल रैंक करेगी और आप लॉन्ग लाइफ के लिए अर्निंग कर सकते हैं। देखिए माइक्रोनिश वेबसाइट का एक खूबसूरती ये है कि अगर आप माइक्रोनिश वेबसाइट बनाते हैं, माइक्रोनिश पे अगर वेबसाइट बनाते हैं इंटरनेशनल माइक्रोनिश पे, तो आपको भर भर के ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि एडसेंस से कमाने के लिए होती है, जैसे कि न्यूज़ ब्लॉग पे होती है कि भर भर के ट्रैफिक होती है, वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी दिन की 200 से 300 विजिटर्स भी आते हैं, जो कि आ ही जाते हैं, आराम से आ जाते हैं, अगर आप सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही डिसेंट अर्निंग कर लेंगे। इनिशियल डे में 2 से 3 महीने में तो आप इस तरह पार कर जाएंगे जैसे कि कोई इंडिया में कोई बंदा जब सैलरी कमाता है, सैलरी पे जब अफोर्ड करता है, एक्सपेक्ट करता है, तो अपनी सैलरी आप बहुत आसानी से 2-3 महीने में कमा सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप पुराने होते रहते हैं आपकी इनकम और भी ज़्यादा बढ़ती रहती है। चलिए तो वीडियो में चलते हैं और आप देखिए कि मैं यहाँ पे एक निश के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है GPS ट्रैकर। ठीक है, देखिए मैं ऐसे ऐसे निश के बारे में बात करता हूँ जो बहुत सारे लोग उस पर काम नहीं करते, वॉल्यूम उसकी बहुत बेहतर होती है, कंपटीशन उसकी ऑलमोस्ट जीरो होती है, बहुत कम उस पर राइटर लिख रहे होते हैं और आपकी पोस्ट रैंक करती है। ठीक है, चलिए GPS ट्रैकर है, व्हीकल ट्रैकर है, यहाँ पर जो भी ट्रैकर वगैरह फाइंडर वगैरह दिख रही है उस पे आप एक डिसेंट पोस्ट बना सकते हैं और इसकी रिजल्ट देखिए 8000 है लगभग। इसका मतलब ये है कि इस पे पोस्ट, इस माइक्रोनिश पे 100-150 पोस्ट आराम से लिखा जा सकता है और उस पे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, इसकी प्राइस भी देखिए, प्राइस भी अच्छी खासी इसके अंदर होती है, मतलब कमीशन आपको तो दबा के मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब आइए कि हम लोग इसकी फ्री कीवर्ड रिसर्च के टूल पे चलते हैं। मैं पहले सब कुछ टैब खोल के रखा था ताकि ज़्यादा टाइम ना जाए। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे किया था, फिर से मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे व्हीकल GPS। ठीक है, फाइंड कीवर्ड पे करते हैं। आपको कभी भी पेड टूल लेने की जरूरत नहीं है फिलहाल इनिशियल डे पे, क्योंकि वो थोड़ी महंगी होती है, आप फ्री टूल पे भी जाकर अपने काम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे व्हीकल GPS ट्रैकिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड आपको मिले जाएंगे, कंपनी व्हीकल GPS ट्रैकिंग, यहाँ पे अगर आप जाते हैं क्वेश्चंस में तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको मिलते हैं, बहुत सारे कीवर्ड मिलते हैं, इतने सारे वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम के साथ भी मिलते हैं। हालांकि जो आपको सर्च वॉल्यूम बॉटम में दिख रही ना उतना होता नहीं है, क्योंकि कोई भी टूल जो है 3-4 महीने पहले की डेटा दिखाती है और इसका डेटा कभी भी एक्यूरेट नहीं होता है।
ये आपको बस एस्टिमेट बता सकता है कि इतना सर्च वॉल्यूम होता है, जिसकी वजह से आप आगे और भी काम है कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जीपीएस ट्रैकर में देखिए बहुत सारे कीवर्ड आपको मिल गई। अगर मैं यहाँ पे और इस पे जाता हूँ, क्या नाम है इसका, जीपीएस ट्रैकर, फिर से इस पे मैं चलते हैं। ठीक है, जीपीएस ट्रैकर था, व्हीकल ट्रैकर, अब मैं चलता हूँ जीपीएस ट्रैकर में। आप देखेंगे चूंकि हमें जीपीएस पे ही बनाना है, ठीक है, अब जीपीएस बहुत टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कार का जीपीएस हो सकता है, और क्या कहते हैं, किड्स का जीपीएस हो सकता है, डॉग का जीपीएस हो सकता है, और किसी काम को ट्रैक करने का जीपीएस हो सकता है, टूल का जीपीएस ट्रैकर हो सकता है, कई प्रकार के ट्रक्स वगैरह सबका जीपीएस ट्रैकर हो सकता है। मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है और इतनी सारी आर्टिकल्स लिखने के इसमें चांसेस वगैरह, आर्टिकल आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे आपको कीवर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दो वेबसाइट बताता हूँ। ये देखिए जीपीएस टेक्नोलॉजी करके वेबसाइट है जो स्पेशली जीपीएस के बारे में ही बताती है। ठीक है, अब अगर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल कि आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि भाई साहब कैसे लिखते हैं, कैसे क्या होता है। अब बताइए, ये वेबसाइट अभी नहीं है, इसकी ट्रैफिक मैं एनालाइज करके बताता हूँ तो लगभग 24-25 हज़ार के लगभग मंथली ट्रैफिक है। इतना भी अगर आपके वेबसाइट पे आता है तो डिसेंट अर्निंग करने के लिए एनफ है, 50-60 हज़ार तो आराम से कमा सकते हैं, चूँकि अमेजोन से भाई दबा के अर्निंग होती है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको जाता हूँ यहाँ पर, और न्यू ब्लॉग्स में अगर मैं लेके चलता हूँ तो आप यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि यहाँ पर कितने सारे, यहाँ पर देखिए एडवांटेज ऑफ रियल टाइम जीपीएस ट्रैकिंग फॉर फ्लीट व्हीकल्स, यहाँ पे देखिए 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन गाइड आर्टिकल दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाउ टू बैलेंस एम्प्लॉइज प्राइवेसी एंड कंपनी व्हीकल ट्रैकिंग, व्हीकल ट्रैकिंग में जो प्राइवेसी होती है कंपनी के बीच में, एम्प्लॉइज के बीच में, उसको बहुत आसानी से बैलेंस किया जा सके, इसके बारे में बताइए। बहुत सारे आर्टिकल भाई साहब ने लिखा है, इसके यहाँ से इस ब्लॉग पे जाके आप आइडिया ले सकते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए कि ट्रैकऑन है, gps.com, ये भी सिमिलर है, और इस पर भी अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको ब्लॉग पोस्ट के आइडियाज़ मिल जाएंगे जीपीएस ट्रैकर को लेकर के, और यहाँ से आप बहुत अच्छी पोस्ट लिख सकते हैं, देखिए कितने सारे हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है, 8000 रिजल्ट है, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है इसके अंदर, प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से आप टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि बेस ट्रैकिंग जीपीएस अंडर 25 डॉलर या $50 करके, या फिर अलग पोस्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रांड के अनुसार लिख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कहते हैं कि अलग अलग यहाँ पे ट्रैकिंग जीपीएस होता है, व्हीकल जीपीएस होता है, उसके अनुसार लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि कहीं इस प्रकार के निश में कंपटीशन तो नहीं है, तो चलिए इसे भी एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक कीवर्ड यहाँ से पहले से भी लेकर रखा था, वेयर टू हाइड अ जीपीएस ट्रैकर ऑन अ कार। ठीक है, 720 सर्च वॉल्यूम है इसकी। ठीक है, सीपीसी भी ठीक है, क्योंकि सीपीसी इसकी भी एस्टिमेट होती है, ठीक है, इससे कहीं ज़्यादा ही होती है जो भी आपको फ्री टूल दिखाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नीचे आइए, देखिए कुछ साइट्स जो है जो हाई अथॉरिटी साइट है, लेकिन यहाँ पे नीचे वीडियोस रैंक कर रही, इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट रैंक कर सकती है, कर क्या सकती है, करेगी ही, लेकिन आपको जब डोमेन जो लेना है, डोमेन और जो लेना है वो आपको ट्रैकिंग के नाम से ही लेना है। अब आप इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोज़ या आर्टिकल मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि एग्जैक्ट नेम डोमेन से कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, एग्जैक्ट नेम डोमेन से बहुत रैंकिंग में फ़र्क पड़ता है, बहुत रैंकिंग फ़र्क पड़ता है। अभी मैं ब्लॉगर पे एक वेबसाइट बना रहा हूँ, उस पर मैंने 7-8 आर्टिकल लिख दिए हैं, एग्जैक्ट नेम डोमेन से, एक महीने के बाद मैं उसका रिव्यू करके आपको बताऊँगा कितनी अर्निंग हो रही है, क्या हो रही है, तो आप मेरे साथ बने रहें। ठीक है, इस चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें, आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी। ठीक है, और कभी भी आपको एक माइक्रोनिश का मतलब ये है कि आप उस पर 50-100 आर्टिकल लिख सकें, मूव करें दूसरा माइक्रोनिश पे जाएं। ठीक है, अब मैंने इस चैनल पे इतने सारे माइक्रोनिश बता दिए हैं कि आप आराम से सभी पे आर्टिकल लिख सकते हैं और लॉन्ग टर्म अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब वीडियोज़ रैंक कर रही है ना, अब आप नीचे आइए, क्योंकि दूसरा पेज पे जाइए, सभी वेबसाइट नहीं है, फिर नीचे रैंक कर दिए, देखिए विकीहाव है, इसको भी आप बीट कर सकते हैं, या देखिए कोरा है, इसको तो आप डेफिनेटली बीट कर सकते हैं, क्योंकि एक तो आपकी वेबसाइट जो होगी वो एग्जैक्ट नेम डोमेन से होगी, और दूसरा एक कोरा फॉरम साइट है जो लोगों के द्वारा आंसर क्वेश्चन आंसर किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप डेफिनेटली रैंक कर सकते हैं। कोरा से कैसे पैसे कमाएं या ब्लॉग पे कैसे ट्रैफिक लाएं कोरा से,
पूरी मेरी प्लेलिस्ट है, वीडियोस है कोरा के ऊपर, आप जाकर गो थ्रू करेंगे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहाँ पे, और वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मतलब ये कीवर्ड पे काम किया जा सकता है। दूसरे कीवर्ड को हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, जिसका नाम है हाउ टू ब्लॉक व्हीकल GPS ट्रैकिंग। देखिए फर्स्ट में भी कि हाउ रैंक कर रहा है, इसको भी आप बीट कर सकते हैं, आसानी से बीट हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। चूँकि बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं होती है, ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट नेम डोमेन होगा, बैकलिंक की भी ज़रूरत नहीं है, कोर्स अब डिटेल गाइड लिखिए और आराम से आपकी वेबसाइट टॉप पे पहुंच जाएगी। देखिए यूट्यूब रैंक कर रही है, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही आसानी से इस कीवर्ड पे भी बीट कर सकते हैं और अपने वेबसाइट को रैंकिंग हासिल कर सकते हैं। दूसरे पेज पे देखिए फिर से कोरा रैंक कर रही है, मतलब आपका ये भी कीवर्ड सक्सेसफुली है जो आप को अपने वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ हाउ टू कन्फ्यूज GPS ट्रैकिंग, ठीक है। अब देखिए मैं जैसे ही टाइप किया तो यहाँ पे विकी हाउ मिला और फर्स्ट पेज पे ही मुझे फिर से कोरा मिला, मतलब ये जो निश है पूरी तरह से खाली है। आप इसको कैप्चर कर सकते हो, इस पर आर्टिकल लिख सकते हो, डिटेल वीडियो पूरा वीडियो वेबसाइट बना करके बहुत ही अच्छी रैंकिंग गेन कर सकते हो, ठीक है। चलिए GPS ट्रैकिंग ब्रेसलेट फॉर चाइल्ड। अब GPS तो कई तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस पर फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल पे बताया था, किड्स के लिए होती है, डॉग के लिए होती है, कार के लिए होती है, अलग अलग टाइप के व्हीकल के लिए होती है, ट्रक के लिए होती है। तो सब करके आप सभी पर बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे आपको, आर्टिकल की कमी नहीं है, इतना GPS में इतने सारे आर्टिकल लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे आएंगे अमेजोन फ्लिपकार्ट, ये देखिए वीडियो है, फिर से भी इसको भी आप बहुत ही आसानी से बीट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको भी कट कर देता हूँ, इसको भी कट कर देता हूँ, इसको भी कट कर देता हूँ और इसको भी कट करता हूँ। वेबसाइट जो भी मैंने एनालाइज किया था इसका, आप वहाँ पे जो वेबसाइट का URL टाइप करेंगे वहाँ जाकर एनालाइज कर लेंगे कि आपको किस किस प्रकार से इस निश पे और भी टाइटल की जरूरत है, कीवर्ड की जरूरत है, ताकि आप अच्छे से आर्टिकल लिख पाएँ, ठीक है। अब चलिए आते हैं कंक्लूजन पे। ये जो निश है बहुत ही अच्छी निश है, USA, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करता हुआ है। और यहाँ आप चूंकि सारा सर्च वॉल्यूम जो अब दिख रहे हैं ना, सारा का सारा मैंने यूनाइटेड स्टेट का ही किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। एक साइट पे कभी बने नहीं रहे, हमेशा मल्टीपल साइट बनाए, एक साइट पे 15-20 आर्टिकल लिखने के बाद दूसरे साइट पे चले जाएं, ठीक है। वो धीरे धीरे रैंक करती रहेगी, तब तक आप दूसरे पे काम करेंगे फिर 2-3 महीने का फिर तीसरा वेबसाइट लॉन्च कर लीजिए। लेकिन हमेशा आपको माइक्रो निश पे ही जानी है, ब्रॉड निश पे कभी नहीं जानी है, रैंक नहीं करोगे। मैं अपने 3 साल बर्बाद किए हैं इसमें। अगर आप माइक्रो निश पे जाते हो तो आपकी डेफिनेटली 2 महीने में रिजल्ट मिलेगी। और इस तरह का के जो माइक्रो निश आइडियाज मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे तो महीने के अंदर में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और ट्रैफिक आनी शुरू हो जाएगी। आप इनिशियल डे में अमेजोन से और गूगल एडसेंस से अर्निंग करना शुरू कर दोगे, ठीक है। चलिए, और अब तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इन सभी चीज़ों को करने के लिए आपको ब्लॉगर पे नहीं वर्डप्रेस पे जाना चाहिए। अगर आप मेरे द्वारा लिंक दिए गए लिंक पे, जो मैंने ब्लू होस्ट का लिंक दिया है, चूँकि ब्लू होस्ट एक बहुत ही अच्छी होस्टिंग कंपनी है जो वर्डप्रेस के साथ रिकमेंड किया गया है, तो अगर उसको इस्तेमाल करते हैं मेरे द्वारा दिए गए, तो मैं आपको अपनी अमेजोन अफिलिएट की कोर्स फ्री में दूंगा और उसका आप एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ही डिसेंट अर्निंग कर सकते हैं उसमें, पूरी डिटेल गाइड ए टू जी है उसके अंदर, ठीक है। तो उसको आप ले सकते हैं। आपने क्या करना होगा कि अगर मेरे लिंक से लेते हैं तो जो नंबर मैंने आपको ऊपर मेंशन किया उस नंबर पर व्हाट्सअप करें, अपना स्क्रीनशॉट मुझे भेजें जो भी आपका पेमेंट पेज है, और उसके बाद आप मुझसे कोर्स फ्री में ले सकते हैं। और अगर जिन लोगों को होस्टिंग की जरूरत नहीं है, जो लोग पहले से ही लिए हुए हैं, वो भी मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का सवाल हो, किसी कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी जानना हो, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना, कॉल में मैं कभी कभी बिजी होता हूँ तो रिप्लाई नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर आप अमेजोन अफिलिएट में सक्सेस होना चाहते हो या एडसेंस में सक्सेस होना चाहते हो तो कोर्स ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि हमने अपने 3 साल बर्बाद किए हैं और उसके बाद 3 साल से मुझे फ़ायदा मिल रहा है। अप्रोक्स मैं 5 से 6 साल से हूँ इस फील्ड में, ठीक है। तो वो आपके 3 साल ना लगे, कोर्स का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम लोग इतने सालों में सीखा वो आपको बहुत ही आसानी कुछ ही समय में मिल जाए, ठीक है। तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, कोर्स लेने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।